बचाओ। हाँ बच गया क्या, लेकिन कैसे? सरदार आप हवा में कैसे लटक गए? अबे गजधरा, सब इस मैजिक स्टाफ का कमाल है। मैं तो बच गया रे गजधरा। सरदार हमें भी बैठाओ ना, बाप का माल समझा है क्या? घूसड़ सरदार। अरे नाराज ना हो, आओ बैठो। पत्थरों की बारिश में से जहाज निकलने वाला है। कौन से जहाज की बात कर रहे हो सरदार? अबे जिस पर बैठे हो वही, और कौन? चलो अब पत्थरों की बारिश में भीगते हैं। बच गए सरदार, अब किस बात की देर है? चलो महारानी सुंदरी को ये जहाज, मेरा मतलब ये जादुई स्टाफ देते हैं और उन्हें बाघ से उनके असली रूप में लाते हैं। ठीक है तो अपने अपने सीट का बेल्ट बांध लो, जहाज तेजी से उड़ने वाला है। सरदार आप क्या बार बार सीट का बेल्ट बांधने के लिए कह रहे हैं? बचपन से पायलट बनने का सपना देखता था, पायलट तो नहीं बन सका लेकिन चोर जरूर बन गया। अब जब हम उड़ रहे हैं तो सोचा नकली पायलट ही बन जाता हूँ। बड़ा ही दर्द भरी कहानी है सरदार आपकी, रोना आ गया। वैसे मैं बचपन से प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा करता था। जल्दी उड़ान भरिए सरदार, समय निकलता जा रहा है। चलो चलते हैं। चल 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 उड़। अबे चल रे, चल उड़। सरदार क्या हो गया? पता नहीं भूरा, अब जहाज आगे बढ़ ही नहीं रहा। कहीं तेल खत्म नहीं ना हो गया सरदार? तेल पड़ता है इसमें? हाँ तेल पड़ता है। कहाँ तेल पड़ता है चल बता। जब ये स्टाफ जहाज बन सकता है तो क्या पता इसमें तेल भी डलता होगा। हाँ हाँ सही बोला, अगर ये जहाज बन सकता है तो इसमें तेल भी पड़ता होगा। सही पकड़े हैं सरदार, मुझसे गलती हो गई। तू भी मुझे एक जड़ दे। ले। अबे इतना तेज तो मैंने तुम्हें नहीं मारा, तो फिर तुमने इतना तेज क्यों मारा? मैं मौका नहीं गंवाता सरदार, एक बार और कोशिश करता हूँ, देखता हूँ उड़ता है कि नहीं। चल उड़ जा जादुई स्टाफ, चल उड़। अब ये नहीं उड़ सकता। ये तो वही वाला भूत है सरदार जो हमें खा गया था, लेकिन पहले तो ये काफी बड़ा था। लगता है ये अचानक कुपोषण का शिकार हो गया है। कुपोषण तो तुम लोगों का होगा, अगर ये जादुई स्टाफ मुझे नहीं दिया तो। ये जादुई स्टाफ तो तुम भी उस गुफा में से ले सकते थे, तो हमसे क्यों मांग रहे हो? जरूर ले सकता था, लेकिन मुझे हिटलर के मौसी का नाम नहीं पता था, इसीलिए मैं उस जादुई स्टाफ तक नहीं पहुंच सकता था। जब पता चला कि तुम लोगों को भी ये जादुई स्टाफ चाहिए, तो जादुई स्टाफ पाने के लिए मैंने तुम लोगों का इस्तेमाल किया। इसका मतलब तुम्हारी ही वजह से ये जादुई स्टाफ आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर ये स्टाफ तुमने मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आखिर तुम्हें ये स्टाफ चाहिए क्यों? इसकी मदद से मैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। पता नहीं सभी विलेन सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनने का सपना क्यों देखते हैं। हम ये जादुई स्टाफ तुम्हें नहीं दे सकते, हो सके तो माफ कर देना।
इस छुटकू से माफी क्यों मांगते हो सरदार? रुको, मैं इस कुपोषण के मरीज को देखता हूँ। नचनिया, खास तौर पे तुम ध्यान से देखना कि कैसे मैं उस कुपोषण को उड़ के मारता हूँ। या मार दिया। सरदार, एक मुफ्त की सलाह देता हूँ, उससे पंगा मत लीजिए। अंडरटेकर से भी तेज मारता है। अपनी मुफ्त की सलाह अपने पास रखो, हम ये स्टाफ कभी नहीं देंगे। तो ये लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जादू कभी खाली नहीं जाता। लेकिन अब तेरा जादू महारानी सुंदरी की जादुई स्टाफ पर काम नहीं करेगा। हमें पता था कि तू ऐसी हरकतें करेगा, इसीलिए हम यहीं आ गए। स्टाफ पर जादू नहीं काम करेगा तो क्या हुआ, लेकिन तुझ पर तो करेगा। ये लो। अरे तुम लोग जल्दी वह जादुई स्टाफ महारानी सुंदरी को दे दो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। महारानी सुंदरी, ये रहा आपकी अमानत। इतनी सुंदर महिला तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। क्या ये मुझसे भी सुंदर है? अबे तुम लोगों का देखा देखी हो गया हो तो कोई बचाएगा भी मुझे?